बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पाकिस्तान के लिए, मईशत हमारी बहुत बुरी हालत में, कल भी हमने इस पे बात की और शब्बर जैदी साहब की भी कल आपने गुफ्तगु सुनी थी कि हमारा सिचुएशन अब 30 दिन रह गया है, 30 दिन के बाद अगर कुछ ना हो, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो, समीना श्रीलंका आ जाएगा इधर। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि हम सर्वाइव करें, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक हाहाकार सा मच गया है। अब श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार कुछ भी करने में असक्षम दिख रही है। मित्रों, पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अब पाकिस्तान के पास मात्र 30 दिनों का ही राशन बचा है। आगे इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक पाकिस्तानी मीडिया खुद ही अपने देश पाकिस्तान को कोस रहा है और कह रहा है कि यदि 30 दिन के भीतर पाकिस्तान का मदद किसी देश ने नहीं की, यानी पाकिस्तान को 30 दिन के भीतर किसी देश ने भीख नहीं दी, तो पाकिस्तान का हाल भी चाइना की वजह से श्रीलंका जैसी हो जाएगी। भाई मैं आपको बता दूं, अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, आपसे बदला वो पूरा लेंगे और इसी की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अबू धाबी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया और सऊदी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया। अब आप चले जाओ चीन के पास, क्यों चाप ऊंचा ऊंचा करते हुए चले जाओ, क्यों चाप ऊंचा ऊंचा करते हुए चले जाओ। भगवान, क्यों चाप ऊंचा ऊंचा करते हुए चले जाओ, उन्होंने वही दिखाना है आपको। क्या दिखाना है, समझ गया, बाहर का रास्ता निकल लो। उनके चक्कर में पाकिन दोस्ती, पाकिन दोस्ती टका नहीं दिया उन्होंने, और अभी भी देखो बेशर्मी की इंतहा देखो कि हम अभी भी पाकिन दोस्ती का राग अलाप रहे हैं, नोटू नहीं दे रहे, वो हम भिखारी हो गए दुनिया के आगे, भिखारी हो गए, लेकिन चाइना वाले पैसे नहीं दे रहे। अब इस पाकिस्तानी मीडिया कौन समझाएगा कि तुम जैसे पाकिस्तान मुल्क का यही हाल होना चाहिए। दोस्तों मैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बारे में बता दूं कि जब तक वो पाकिस्तान के पीएम रहे, देश की उन्नति एवं जनता की भलाई को छोड़कर पूरी दुनिया में कश्मीर कश्मीर की राग अलापते रहे। इमरान खान आए थे तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा हाल करके छोड़ा है कि उसे अब कोई भीख भी नहीं दे रहा है। चाइना वालों को शर्म नहीं आ रही कि हमने तुम लोगों की खातिर सारी दुनिया से दुश्मनी ले ली, हमें नोटू दे दो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास अरबों डॉलर है, हमें दे दो। हमारा स्टॉक एक्सचेंज बच जाए, हमारा जो मामला है हमारे मुल्क के, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट बजट बच जाए, लेकिन चाइना वालों ने भी ठान लिए कि वो हमें छुट्टू दिखाई जा रहे हैं बार बार। दोस्तों ये तो आपने पाकिस्तान के एक मीडिया का टीवी के लाइव शो में रोना देखा। इस तरह से पाकिस्तान के कई मीडिया हैं जो टीवी के लाइव शो में आकर अपना सर पटक पटक के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की महसत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, अब पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसे होने वाली है और इस हालात में पाकिस्तान को किसी भी देश से मदद नहीं मिल रही है, खासकर अरब ममालिक देश एवं चीन से मदद नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान की मीडिया काफी नाराज दिख रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पाकिस्तान के लिए, मईशत हमारी बहुत बुरी हालत में, कल भी हमने इस पे बात की और शब्बर जैदी साहब की भी कल आपने गुफ्तगू सुनी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने वादा किया था कि ये पेट्रोल की सब्सिडी ये वो सब स्क्रैप करेंगे, आईएमएफ प्रोग्राम रिज्यूम होगा और अब तक नहीं हुआ, इसलिए मैं हिम्मत नहीं है स्क्रैप करने के लिए, इसलिए इस मुल्क में इस वक्त टोटल अनसर्टेंटी है, इसलिए इस मुल्क में जो दूसरे मुल्कों ने फंड्स आपको वादा किया था वो नहीं अनलॉक हो रहे हैं, मार्केट्स काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कि फ्यूल सब्सिडी में आपका कोई अग्रीमेंट है नहीं, हालांकि आपने वादा किया था आईएमएफ को कि हम ये वापस लेंगे। सॉरी दोस्तों, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट्स फाइट अगेंस्ट पाक मीडिया। दोस्तों आप सभी के सामने इस तरह का वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है कि विदेशी मीडिया में भारत के खिलाफ हो रहे साजिश पे हर भारतीय का नजर हो, इसीलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मगर आप डर गए, आप में हिम्मत नहीं है, यू डोंट प्लान, यू डोंट हैव द गट्स, सऊदी ठहरे हुए हैं, UAE ठहरे हुए, वो कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पैसे देना चाहते हैं, दे दिया है, मगर IMF कहती है कि जब तक आपके साथ फाइनलाइज नहीं हुआ, और आप में हिम्मत नहीं है फाइनलाइज करने के लिए।